सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनुजिंदल डॉट इन। एंड आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बीपीएससी ने अपना 67th का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में वैकेंसीज इस बार एसडीएम की हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जल्दी से वैकेंसी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको नज़र मार लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो एसडीएम की वैकेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इस बार, 88 वैकेंसी हैं। 66th वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक भी नोटिफिकेशन नहीं था, एक भी वैकेंसी नहीं था इसका एसडीएम का, बट दिस टाइम उन्होंने काफ़ी सारी वैकेंसीज एसडीएम की निकाली है और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में है। ऑल्दो डीएसपी की कोई वैकेंसी नहीं है इस बार, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, डीएसपी की कोई वैकेंसी नहीं है, एसडीएम की बहुत सारी है। अभी तक टोटल वैकेंसी है 555 जो कि बीपीएससी ने बताया है। 555 वैकेंसीज हैं जिसमें से 174 आर रिजर्व फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए वो आरक्षित है 174, एंड 555 अभी वैकेंसीज हैं। अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में एक खबर भी छपी थी कि 106 वैकेंसीज और होने ऐड होने की इसमें आसार हैं। तो जब तक कि फाइनल रिजल्ट आएगा तो ये वैकेंसीज लगभग 700 के आसपास पहुंच जाएंगी। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है वैकेंसीज का, और एसडीएम की 88 वैकेंसीज है जो कि बहुत बड़ा नंबर है आई मस्ट से। एंड एग्जाम के पैटर्न में कोई चेंज नहीं आया है, अभी भी वही है, प्री मेंस और इंटरव्यू। प्री में एक आपका एग्जाम होगा 150 नंबर का। एक बार हम चलते हैं ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें बात करते हैं। ये रहा प्रारंभिक परीक्षा में एक आपका पेपर होगा 150 नंबर का, 150 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा पूरा, और कोई सी सैट नहीं है, कोई नया पैटर्न नहीं है, 150 का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 2 घंटे का होगा, 150 नंबर का होगा, और सेम जैसे पहले पैटर्न था वही है। मेंस के लिए भी बिल्कुल सेम है, एक पेपर हिंदी का, एक पेपर आपका जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडीज पेपर 2, और यू कैन से GS2 और GS3 आप इस तरीके से ले सकते हो, और एक होगा आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, एक अच्छी लंबी चौड़ी लिस्ट है, और आई होप अभी तक आपका ऑप्शनल डिसाइड हो चुका होगा क्योंकि अब तो टाइम आ चुका है बिल्कुल एग्जाम का, और उसके बाद इंटरव्यू। तो कोई भी चेंज नहीं है पैटर्न में, एग्जाम के पैटर्न बिल्कुल वही सेम है जो कि पहले आज तक फॉलो होता है। प्री में 150 नंबर का एक एग्जाम होगा जीएस का, जिसमें पूरे जीएस के क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद मेंस में वही 4 पेपर हैं, हिंदी पेपर 1, पेपर 2, जीएस, और उसके बाद ऑप्शनल, एंड फाइनली इंटरव्यू। अब अगर मैं बात करता हूँ 66th का जो हमारा इंटरव्यू मेंस है उसका रिजल्ट अब बहुत ही जल्द बीपीएससी जारी कर देगा, उसके इंटरव्यू होंगे। तो बहुत तेजी से काम कर रहा है बीपीएससी, और इन्होंने एग्जाम डेट 12 दिसंबर बताई है 67th के नोटिफिकेशन की। तो उम्मीद है कि 12 दिसंबर को पेपर हो जाएगा, हालांकि कई जगहों पर यह कहा जा रहा है कि 12 दिसंबर को बिहार में पंचायत इलेक्शंस हैं जिसकी वजह से एग्जाम थोड़ा सा डिले हो सकता है, पर इन माय ओपिनियन अगर 12 दिसंबर को नहीं हुआ तो 19 दिसंबर की उनके पास स्लॉट खाली है, बिकॉज 26 दिसंबर को बिहार एसआई का पेपर है और 19 दिसंबर को उनके पास स्लॉट खाली है। हो सकता है सीडीपीओ का एग्जाम जो कि अभी हाल ही में पोस्टपोन हुआ है वो करवा दिया जाए 19 को, तो ज्यादा से ज्यादा अगर लेट होगा तो January 1st week। तो आपको वेट नहीं करना है एग्जाम डेट का, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। आई नो कि आप में से कई लोग वेट कर रहे होंगे बहुत बेसब्री से, अब आपको एग्जाम डेट का वेट नहीं करना है, ऑलरेडी आपके पास एग्जाम डेट है 12 दिसंबर। बाय एनी चांस अगर वो पोस्टपोन होता है तो आइदर 19 दिसंबर या फिर जनवरी के पहले वीक में आपका पेपर हो रहा है प्री, तो अच्छे से तैयारी करिए। अब अगली जो वीडियो आएगी मैं उसमें आपके सामने एक डिटेल स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा कि कैसे बाकी बचे हुए दिनों में आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाना है, और कौन कौन से सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे यूट्यूब पे। जनरल साइंस के मैं सेशन कंडक्ट करूंगा, इंडियन पॉलिटी के कंडक्ट करूंगा, और जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उसमें से क्वेश्चन आपका कंफर्म है, तो इसके बारे में डिटेल में एक दूसरी वीडियो में बात करेंगे, कल मैं वीडियो लेके आऊंगा। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर।